गुरु नानक देव जी के वंशज बाबा सर्वजोत सिंह बेदी ने ऊना में पत्रकार वार्ता करते हुए 1961 के हुस्नीवाला समझौते की तर्ज पर करतारपुर को भी भारत में शामिल किया जाना चाहिए। बाबा बेदी ने माना कि यह मांग पिछले काफी समय से उठाई जा रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव के चलते यह कार्य होना संभव नहीं है। वहीं बाबा बेदी ने अक्सर दोनों देशों के बीच तनाव के दौरान आपसी सेवाएं बंद कर दी जाती हैं, लेकिन दोनों देशों की सरकारों को चाहिए कि ऐसे समय में भी करतारपुर कॉरिडोर पर कोई असर ना पड़े। वहीं बाबा बेदी ने दोनों देशों के आपसी रिश्तों में सुधार की उम्मीद जताई है। नहीं, ऐसी मांग की भी है, पर एक काम तदे होएगा जी, दोनों मुल्कों के आपसी जो तनाव है खत्म हो गए। तो जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक मांग तो साड़ी सदा लेनी है कि जेड़े साढ़े स्थानों के पिछड़े हुए स्थान है, ननकाणा साहब है, हसन अब्दाल की धरती है, और गुरु नानक साहब का जितना जीवन है जो देखा जाए तो उस धरती पर बाबा जी यादा सिखी ना जुड़े हुए हैं। साढ़े गुरु साहबाना के अस्थान बहुत मौजूद ने पाकिस्तान की धरती पर, और साड़ी इस कारण असं अरदासा भी करते आए हैं। पर एक गल की जी खुशी सूँ ये हुई है कि उन्होंने अस्थाना की सेवा संभाल जो है उत्थे दे वसनीक जो किसी भी धर्म नाल किसी भी जाति नाल जुड़े हुए लोग ने वो उन्हां दी सेवा संभाल कर रहे हैं, और असीं उम्मीद करांगे कि जब तक दोवां मुल्कां दे रिश्ते नहीं सुधरदे कि ये जो प्यार दा वातावरण पैदा होए। करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद ननकाना साहिब में गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के बाद ऊना पहुंचे गुरु नानक देव जी के वंशज बाबा सर्वजोत सिंह बेदी ने एक बार फिर 1961 में हुए हुसैनीवाला समझौते की तर्ज पर ही भूमि हस्तांतरण कर करतारपुर को भारत में शामिल करने की मांग दोहराई है। बाबा बेदी ने कहा कि जब तक दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं होता तब तक ऐसा होना संभव नहीं है। बाबा बेदी ने कहा कि पाकिस्तान के करतारपुर में ननकाना साहिब के अलावा कई अन्य स्थान हैं जिनके खुले दर्शन होने चाहिए। वहीं बाबा बेदी ने दावा किया है कि पाकिस्तान की धरती पर हमारे जो भी स्थान हैं उन स्थानों की पाकिस्तान में बसे विभिन्न धर्मों के लोग बहुत अच्छे से देखरेख कर रहे हैं। बाबा बेदी ने दोनों देशों के रिश्ते में सुधार की उम्मीद भी जताई है। देखो जी, असीं उम्मीद तो यही करते हैं कि खुला कॉरिडोर सदा रहेगा और आपसी भाईचारा आपसी प्रेम प्यार साडा बनेगा, और मैनू लगता है कि साड़ी दोवां सरकारां चाहे पाकिस्तान दी है चाहे हिंदुस्तान की सरकार है वो इस चीज़ का हल कढ़न लई सार्थक रूप अदा करनगे, और असीं उम्मीद भी करते हैं क्योंकि मोदी जी का उत्थे आ के लांघा खोलना और जो प्यार का संदेश देना सारे दोवां मुल्कां नूं। कश्मीर का जिहड़ा मसला जरूर है तो कश्मीर का मसला भी समझ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इहदा हल निकल जाएगा, क्योंकि ये तो जिहड़ियां बीमारियां सानूं पाईआं ने साड़ी जिहड़ी अंग्रेज सरकार है जाती जाती सानू लड़ाई साड़ी झोली च लड़ाई पा गई जो असं अज तक लड़ रहे हैं। पर सिर जोड़न वास्ते दोवां मुल्कां लई इह सार्थक हो सकता है। आर्थिक तौर पर पाकिस्तान की हालात भी काफ़ी माड़े ने इस वेले, तो जे हुण बॉर्डर बंद होए ने जिदा कश्मीर की आपसी साढ़े वाघा बॉर्डर भी बंद हो चुके उहदे नाल कितने लोग बेरोज़गार हो गए दोनों बॉर्डर से, मजदूर जिन्ने भी साढ़े उधरों जो साड़ी प्रोड्यूस सीगी कोई कणक साढ़े आलू प्याज सेब आपस एक्सचेंज जिहड़ियां गल एक साड़ी मोनिटरी सानू फायदे मिलते सी वो भी साढ़े दूर हो गए। पर असीं उम्मीद करांगे तो हाली उम्मीद दे उत्ते सारियां गल्लां खड़ियां, पर ये असीं यही अर्थ उम्मीद करांगे कि दोवां मुल्कां विच साड़ी लीडरशिप जो है बड़े वड्डे हिरदे नाल इहनां ते विचारां करन ताकि आपसी प्यार और वातावरण बने। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।